नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पर मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि असाइनमेंट लिखना भी एक पीरियड में महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, जिसमें कि असाइनमेंट लिखने की कला जो होती है उसमें अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को असाइनमेंट के लिखने का अच्छा तरीका जो होता है वो मैं बताने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे कॉलेज में मार्क गेन कर सके, आप कॉलेज में अच्छे से अच्छे मार्क ला सके। इसके लिए आपको मैं किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए असाइनमेंट, उसके बारे में मैं कुछ संक्षेप में बताना चाहूँगा, और साथ में मैं कवर करूँगा किशोरा अवस्था को, एडोलेसेंस को कवर करूँगा, उसकी विशेषता और कई सारे पॉइंट आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो कृपया करके आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ में पॉइंट नोट करते जाइएगा। हो सके तो मैं अगले वीडियो में इस सारे पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। किशोरावस्था पढ़ेंगे कोर्स वन से, असाइनमेंट इसमें आप देखेंगे जिस प्रकार से एक सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो वो उन्होंने कमेंट किया था कि उन्हें मैं बताऊं, तो मैं इसके लिए ही एक वीडियो लेकर के आ गया हूं, जिससे कि आप सभी को हेल्प मिल जाए। तो सबसे पहले तो किशोरावस्था की जो विशेषता को लिखने के लिए उसमें बोला जा रहा था, किशोरावस्था की विशेषता को बताएं और उसका डिस्क्राइब करें। तो मैं बता दूं कि दमदार लिखने के लिए आपको किशोरावस्था की विशेषता मैं पहले बता देता हूं क्या सो होता है। किशोरावस्था की विशेषताएं मुख्यतः देखिए कितने प्रकार के होते हैं, 10 या 15 पॉइंट हैं, मैं उसको डिनोट करवाता हूं। पहला, सर्वप्रथम तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा असाइनमेंट लिखने में, ये मैं पहले बता देता हूं, ठीक है। असाइनमेंट लिखने में आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे इस प्रकार से, इंट्रोडक्शन लिख करके उसके बाद आपको 2-3-4 या जितने भी आपको आ रहे होंगे उन सभी मनोवैज्ञानिक के तौर पर, जैसे क्रो एंड क्रो हुआ, बिग गेंट हुआ, उसके बाद है बहुत सारे स्कीनर है और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है, बी एम झा है जैसे, और मैं बता दूँ गेट्स के अनुसार है, उसके बाद है मैं बता दूँ आपको पोलराइज के अनुसार है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक के नाम है। उन सभी मनोवैज्ञानिक के परिप्रेक्ष्य में जो उन्होंने परिभाषा दिए हैं उन सभी के परिभाषाओं को इस प्रकार से यहाँ पर लिखना होगा, अकॉर्डिंग टू स्किनर या कोई भी लिखेंगे, गेट्स, क्रो एंड क्रो इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद नीचे में यहाँ आप इसके बाद ये डैश देन दे देना है ऐसे, उसके बाद यहाँ से नीचे में परिभाषा लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। अब चाहे तो इसको आप दूसरे कलर से लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन जैसे ऐसे लिख के ऐसे घेर सकते हैं आप, मतलब जितने तरीके से आप सजा सके कॉपी को उतने अच्छा है, इसको आप सजा के लिखें। उसके बाद मैं बताऊँगा नीचे जो अर्थ वगैरह सब होते हैं उन सभी को लिखना है, इस प्रकार से आप सजा सकते हैं अच्छे से, अच्छे खासे से सजा सकते हैं, जितना आपका कॉपी जो डायनेमिक लगेगा दिखने में, ग्लैमर लगेगा, उतना ही अच्छा आपको मार्क मिल सकता है। इंट्रोडक्शन के बाद आता है, ये इंट्रोडक्शन लिखने के बाद उसी में आप परिभाषा ये लिख सकते हैं, उसके बाद किशोरावस्था के अर्थ को समझा सकते हैं, आप यहाँ पर अर्थ को समझा सकते हैं, अर्थ को समझा सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद सामान्य अर्थ आप पॉइंट वाइज लिखें, ये सभी को आप ऐसे करके घेर सकते हैं और इन सभी को आप इंट्रोडक्शन लिखें। तो असाइनमेंट में आप लिखेगा तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन लिखते हैं ऊपर में जो क्वेश्चन रहता है वहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन लिख देना है, उसके बाद यहाँ जो लिखेंगे क्वेश्चन होगा आपका वो क्वेश्चन लिख देना है वहाँ पे, उसको आप दूसरे कलर में लिखिएगा, रेड में नहीं लिखिएगा, उनको आप लिख सकते हैं पिंक में लिख सकते हैं, ग्रीन से लिख सकते हैं, ब्लैक से लिख सकते हैं, ब्लैक स्केच वगैरह का यूज करके आप कितना भी ग्लैमर बना सकते हैं कॉपी को, उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप असाइनमेंट लिखें। और एक
और बात मैं बताऊंगा असाइनमेंट लिखने का जो तरीका होता है मुख्य तौर पे। देखिए जैसे मैं यहाँ पर किशोरावस्था की इंट्रोडक्शन लिख दिया, समान अर्थ लिख दिया, परिभाषा लिख दिए, सारे कुछ लिखने के बाद अब आता है कि लिखेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद नीचे जो लिखेंगे हम वहाँ पर हम लिखेंगे किस प्रकार से, तो पहले तो पॉइंट, ये सब बहुत सारे पॉइंट होंगे इनके, तो इसको हम दमदार बनाने के लिए, अपने आंसर को दमदार बनाने के लिए आप परीक्षा में भी इसका यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा खासा मार्क आएगा आप लोगों को। तो मैं बता दूँ यहाँ पर जैसे ये पेड़ बना दिया मैं, ऐसे पेड़ या फूल बना दिया, ऐसे पेड़ बना दिया, यहाँ गमला बना दीजिएगा, चाहे कोई भी चीज़ बना दीजिएगा। इसके बाद यहाँ आप लिख सकते हैं एक बड़ा सा फूल बना देंगे यहाँ पे, ठीक है, इसमें लिख देंगे किशोरावस्था की विशेषताएं, या और इसके बाद इसमें ऐसे ऐसे फूल बना दीजिए, और इसके बाद इसमें से टहनियाँ निकाल दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आप फूल जो बना रहे हैं इसमें भी फूल बना दीजिए, और यहाँ पर इस यहाँ पर एक लिख दीजिए शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, यहाँ पर मानसिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, इस तरीके से आप पॉइंट इस सभी को डिनोट। अभी मैं पॉइंट बता रहा हूँ, फिर उसके बाद एक और डायग्राम बताऊँगा कि आप इस प्रकार से भी डायग्राम बना सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, देखिए मैं बता रहा हूँ। इसमें पहले पॉइंट आपको बता देता हूँ, पहला जो है पहला पॉइंट आएगा इसमें शारीरिक विकास, दूसरा पॉइंट आएगा मानसिक विकास, तीसरा पॉइंट आएगा घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता, लिखेंगे घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता, ठीक। चौथा लिखेंगे लास्ट तक देखते वीडियो, बहुत सारे पॉइंट हैं। उसके बाद मैं जो आगे का जो प्रश्न था उसमें, उसी प्रश्न में जो आगे का प्रश्न था उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो इसमें अगला पॉइंट था चौथा व्यवहार में भिन्नता, और में भिन्नता, व्यवहार में भिन्नता। पांचवा पॉइंट आएगा स्थिरता और समायोजन का अभाव, स्थिरता और समायोजन का अभाव। उसके बाद छठा जो आएगा, इसमें आप रॉस महोदय के अनुसार लिख सकते हैं यहाँ पे कि शिशु के समान किशोर को अपने वातावरण में समायोजन करने का काम आरंभ करना पड़ता है। रॉस महोदय के अनुसार क्या है, शिशु के समान किशोर को अपने वातावरण में समायोजन करने का काम आरंभ करना पड़ता है, ये आप लिख सकते हैं रॉस महोदय के अनुसार, यह है स्टेटमेंट। इसमें कि छठा है स्वतंत्रता और विरोध, स्वतंत्रता व और विरोध। सातवां है काम शक्ति की परिपक्वता, लिखेंगे काम शक्ति की परिपक्वता। आठवां है आप देखेंगे इसमें भी काम शक्ति की परिपक्वता में आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गेट्स, लगभग 40% बालकों को एक या इससे अधिक बार का विषम लिंगीय अनुभव होता है, विषम लिंगीय अनुभव होता है, कितना 40%। गेट महोदय के अनुसार क्या है, लगभग 40% बालकों को एक या इससे
अधिक बार का विषम लिंगीय अनुभव होता है। ये लिखेंगे आठवां में लिखेंगे समूह का महत्व। समूह का महत्व, हाँ। और इधर लिखते हैं, नवां में लिखेंगे सम, इसमें भी आप लिख सकते हैं, प्रत्येक में आप डिनोट कर सकते हैं समूह की, समूह का जो महत्व है इसमें भी आप डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम बिग एंड हंट के अनुसार, जिन समूहों से किशोर का संबंध होता है उनसे उनके लगभग सभी कार्य प्रभावित होते हैं। ये बिग एंड हंट के अनुसार है। अगर है समूहों की भाषा, नैतिक मूल्यों, वस्त्र पहनने की आदतें और भोजन की विधियों को प्रभावित करता है। ये आप लिख सकते हैं, डिनोट कर देंगे अकॉर्डिंग टू बिग एंड हंट के अनुसार। यहाँ नवा में जो है समाज सेवा की भावना, यहाँ लिखेंगे समाज सेवा की भावना, हाँ ठीक। दसवां में लिखेंगे, जैसा हम लिखेंगे रुचियों में परिवर्तन एवं एकता, लिखेंगे यहाँ रुचियों में परिवर्तन एवं एकता, ठीक। उसके बाद दसवां हो गया, आगे लिखेंगे, इसमें भी आप लिख सकते हैं के स्ट्रॉन्ग के अनुसार 15 वर्ष की आयु तक किशोरों के, यहाँ लिखेंगे के स्ट्रॉन्ग के अनुसार लिख देंगे इसमें कि 15 वर्ष की आयु तक किशोरों के किशोरों के रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, पर उसके बाद उसके रुचियों में स्थिरता आ जाती है, हाँ ये लिख सकते हैं। उसके बाद ग्यारह में लिखेंगे अपराध प्रवृत्ति का विकास, हाँ अपराध प्रवृत्ति का विकास। 12 में लिखेंगे स्थिरता व महत्व की अभिलाषा, स्थिरता व भावना है स्थिरता व महत्व की अभिलाषा, ऐसे लिख सकते हैं। 13 में लिखेंगे अगला जो है, 13 पॉइंट है अगला जो लिखेंगे व्यवसाय का चुनाव, इसमें भी आप लिख सकते हैं जॉन्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जॉन्स किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना एवं श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। ये कौन कह रहे हैं? जॉन्स महोदय कह रहे हैं किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना एवं श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। ये अकॉर्डिंग टू जॉन्स है। इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं इसमें स्थिरता व महत्व की अभिलाषा में। और 13वां जो पॉइंट है उसमें है, आप देख सकते हैं व्यवसाय का चुनाव, इसमें है व्यवसाय का चुनाव, हाँ इसमें 14 नंबर में है, आप देख सकते हैं 14 नंबर में है, बता रहा हूँ। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला पॉइंट आएगा, इसमें भी आप लिख सकते हैं स्ट्रैंग महोदय के अनुसार जब छात्र हाई स्कूल में होता है तब वह किसी व्यवसाय के चुनाव उसके लिए तैयारी करने, उसमें प्रवेश करने और उसमें उन्नति करने के लिए अधिक से अधिक चिंतित हो जाता है। ये स्ट्रैंग महोदय के अनुसार है, आप यहाँ लिख सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं। आगे है ईश्वर और धर्म में विश्वास, यहाँ है ईश्वर व धर्म में विश्वास, 14 नंबर है।
इसके बाद मैं इधर इरेज कर देता हूँ। जितने पॉइंट लिखेंगे आपको उतने मार्क गेन करने में आसानी होगी। उसके बाद है 14 हो गया, यहाँ 15 नंबर में हम लिखेंगे जीवन दर्शन का निर्माण। जीवन दर्शन का निर्माण, ठीक। 16 में लिखेंगे जीवन दर्शन का निर्माण, लिखिए माफ कीजिएगा, 15 ही पॉइंट है इसमें। इतने सारे पॉइंट हुए, 15 पॉइंट हुए, जैसा कि आप देख लिए 15 पॉइंट। अब इसको लिखना कैसे है, इसको एक और डायग्राम में कैसे बनाना है, मैं बता देता हूँ किस प्रकार से बनाना है। इसको पहले इरेज करना होगा, यहाँ मिटा लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो एक दूसरा पेन लेंगे दूसरे कलर का और इस प्रकार से बना देंगे या पहले लिख देंगे। था कि ऐसे लिख देंगे, उसके बाद इसको ऐसे घेर देंगे, ठीक है, ठीक। थोड़ा अच्छा से बना लेंगे, मैं उतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, इसे करके बना देंगे। उसके बाद देखिए आगे मैं इसको इधर से डायग्राम निकाल दिया, इधर से निकाल दिया। जितने भी सारे पॉइंट लिखे हैं आप उन सभी को इस प्रकार से आप डिनोट कर दीजिए एक पेज में। आप यहाँ लिख देंगे सार्डिक विकास, फिर इसको आप दूसरे कलर से ऐसे घेर के डब्बा बना दीजिए। हाँ, लिखेंगे मानसिक विकास, हाँ इसको फिर भी ऐसे डब्बा बना दीजिए, अच्छा लगे दिखने में। इस प्रकार से आप सभी को पॉइंट को डिनोट कर दीजिए एक पेज में, और सभी पॉइंट को, एक एक पॉइंट को आप यहाँ पर दे रहे हैं सार्डिक विकास, फिर इसको आप एक एक पॉइंट को ऐसे लिख करके, मैं ये बता रहा हूँ अभी, आप इससे लिख देंगे शारीरिक विकास, ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे अंडरलाइन करके और ऐसे करके आप इसको डिस्क्राइब कीजिएगा यहाँ से, ठीक है, ऐसे लिखिएगा किशोरों में शारीरिक विकास इसी अवस्था के दौरान अधिक देखने को मिलता है। इस प्रकार से लिखेंगे, उसके बाद यहाँ कुछ और चीज़ लिखेंगे कंटेंट, उसके बाद यहाँ आप जितने भी सारे शारीरिक विकास होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसमें मूंछें निकलने लगती है और बहुत सारे चीज़ होते हैं, तो उस सभी चीज़ को आप डिस्क्राइब कर दीजिए। बोली आवाज़ भारी हो जाता है और बहुत सारे चीज़ होते हैं, तो ये इसको आप डिस्क्राइब कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, अकॉर्डिंग टू। उसके बाद जिस विज्ञानी का नाम लिखेंगे स्ट्रेंग, यहाँ डैश देंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे से यहाँ लिख दीजिए उस मनोवैज्ञानिक के आधार पे उन्होंने क्या कहा था, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखिएगा असाइनमेंट, निश्चित ही आपका असाइनमेंट दमदार होगा। और आगे जो आपका प्रश्न था उसमें मैं उसको भी डिस्क्राइब कर देता हूँ, जिसमें उसमें मैं बता दिया आपको किशोरावस्था की विशेषता के बारे में, और आगे मैं बताऊँगा कि आपको इन सभी के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and